हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में सेना के जवान और पत्नी के साथ मारपीट। बाड़मेर शहर के सदर थाना क्षेत्र में भारतीय सेना के जवान के साथ उसकी पत्नी व पत्नी के भाइयों द्वारा बेरहमी से मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित सेना के जवान ने बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव से मुलाकात कर सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित सेना के जवान ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी ने शुक्रवार को दिल्ली घूमने के लिए उससे 50,000 की मांग की, लेकिन सेना के जवान को 18 मार्च को वापस ड्यूटी जाना है, इसीलिए अकेले दिल्ली घूमने जाने से पत्नी को मना कर दिया। इससे गुस्साई पत्नी ने अपने भाइयों को बुलाकर कमरे में बंद कर लोहे के सरिये व केबल से बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसके पूरे शरीर पर खून निकलने लग गया। आप खुद टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पत्नी ने व उसके भाइयों ने हैवानियत की हदें पार कर बेरहमी से मारपीट की गई है, जिसके बाद सेना के जवान की मां बाड़मेर पहुंची और अपने बेटे को वहां से छुड़वाया और पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव से मुलाकात कर सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं इस पूरे मामले को पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने गंभीरता से लेते हुए सेना के जवान की रिपोर्ट पर सदर थाने में मामला दर्ज करवाकर पीड़ित का मेडिकल मुआयना करवाया गया है। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि पति पत्नी के बीच पहले छुट्टी आने के दौरान भी विवाद हुआ था और पत्नी की रिपोर्ट के आधार पर पति को पाबंद किया गया था, पर अब पत्नी वो उसके भाइयों द्वारा उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है, जिस पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।